जो लोग गाली देते हैं, नफरत फैलाते हैं, आप उनसे नफरत ना करें। आपको ये बात समझनी है, इसलिए इनसे नफरत नहीं करनी, आपको ये समझना है और इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये लोग हैं तो हमारे ही देश के लोग ना। कैरी मिनाटी की मिस्टर बीस्ट वाली वीडियो में ध्रुव राठी का है शॉकिंग रिएक्शन सामने, और क्या सेकंड पार्ट आने वाला है इस वीडियो का। आप सभी को बता दें कि कैरी मिनाटी ने अपनी चैनल पर एक बड़ी वीडियो डाली है जिसमें सारे इंडियन बड़े क्रिएटर रखे गए हैं, जिसमें मिस्टर बीस्ट को परेडी वीडियो है उन पर, और साथ ही बात करें उसमें मिस्टर बीस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन ध्रुव राठी नहीं, और लोगों की डिमांड है कि ध्रुव राठी उस वीडियो में होना चाहिए था। वहीं पर बात करें सेकंड पार्ट के बारे में, एक नई अपडेट आई है जहां पर मिथ पैट ने एक अपनी चैनल पर वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने टाइटल दिया है मिस्टर बीस्ट मीट बाबूराव, जिसमें वो खुद बाबूराव बने हुए हैं और इन दोनों के बीच एक बड़ा सा कन्वर्सेशन है। और वहीं पर डिमांड ये आ रही है और लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट केवल एक छोटा सा बताया गया है और सेकंड पार्ट में ध्रुव राठी आने वाले हैं। वहीं पर ध्रुव राठी का एक रिएक्शन सामने आया, जिन्होंने देखी जब ये पहला पार्ट, तो उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जब सारे क्रिएटर एक साथ में एक वीडियो में मौजूद थे और साथ ही यूट्यूब के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट भी उस वीडियो में मौजूद है, तो मैं चाहता कि मैं भी अगर आता तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन बात करें तो जितने भी क्रिएटर थे उसमें कोई भी एजुकेशनल पर्पस का क्रिएटर नहीं था, सब लोग टाइम पास या कॉमेडी वीडियो या फिर गेमिंग वगैरह वाले थे, तो इसमें कोई एक अच्छा क्रिएटर भी होना मौजूद था कि जो स्टडी वगैरह कराता हो, इस तरीके के क्रिएटरों को भी चांस देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या ध्रुव राठी को सेकंड पार्ट में होना चाहिए था कि नहीं। वीडियो को लाइक करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।